नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगली खबर बुरहानपुर से, जहां ग्राम धाबा में किया जा रहा है मच्छरदानियों का वितरण। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित विभाग की ओपीडी का किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, यहाँ अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 वाहन चोर गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और 4 तमंचे कारतूस बरामद। चोर ऑन डिमांड करते थे बाइकों की चोरी और नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदल कर बेचते थे चोरी की बाइक। गिरफ्तार दानिश पर 12, आसिफ पर 15, अरमान पर 14 और जाहिद पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को मिली वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। ये विगत कुछ दिनों से जो वाहन चोरी की घटना हो रही थी, इसमें थाना कोतवाली नगर की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज 4 अभियुक्त जो कि वाहन चोरी में संलिप्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे और निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुछ अवैध असलाहें इनके पास से पाए गए हैं। इन 12 मोटरसाइकिल में से 4 ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो यहीं कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। इसके अलावा कुछ ये मोटरसाइकिल्स हैं जो कि आसपास के जनपद जैसे हापुड़ और दिल्ली, इनसे भी चोरी हुई थी। कुछ अन्य मोटरसाइकिल हैं जो इस जनपद के ही अन्य थानों से चोरी हुई थी, वो इनके पास से बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका एक गिरोह है जो कि ऑन डिमांड मोटरसाइकिल सप्लाई करता है और ये मौके का फ़ायदा उठा करके, खास करके जो बाइकें अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं उनको टारगेट करते हैं और उसको चुरा ले जाते हैं। इनके पास से आज कुल 12 मोटरसाइकिल और अवैध असलाहें बरामद करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? देखिए, ये अभ्यस्त अपराधी हैं और ये मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में बिल्कुल सक्रिय भी हैं और इन्होंने एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली है। पूर्व में भी इनके पास से मोटरसाइकिल चोरी के बरामद हुई हैं और इनमें से एक व्यक्ति है जो पहले गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है। इन सब पर लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल लेगा तो उससे अन्य कोई क्राइम करने के प्रयोजन में ला सकता है। इस संबंध में और डिटेल्ड पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के खकनार विकासखंड के ग्राम धाबा में आज मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है। लॉन्ग लिस्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट मच्छरदानियों की विशेषता यह है कि मच्छरदानी के ऊपर मच्छर के बैठते ही वो मच्छर काटने योग्य नहीं रहेगा और मर जाएगा। बता दें, आज ग्राम धाबा में लगभग 200 परिवारों को लाभान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। वनीय क्षेत्र होने, जल जमाव की स्थिति में मच्छर पनपते हैं और जिससे मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों का संक्रमण होता है। प्रदेश सरकार द्वारा आमजनों को रोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का निःशुल्क वितरण किया गया। वितरण के दौरान रेखा ब्रह्मवंशी, सुखमणि बाई, लीला बाई मौजूद थे। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली को 2 बड़ी सौगात। एम्स में आज से आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित विभाग के ओपीडी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के पहले दिन इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। शहर के मुंशीगंज कस्बे में स्थित एम्स रायबरेली के कैंपस में आज आयुष ओपीडी का उद्घाटन हुआ। यहाँ डॉक्टर हरकिशन पारिक ने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा जिले को बड़ी सौगात दी गई है। ओपीडी का उद्घाटन किया गया है। ओपीडी शुरू होने के बाद भविष्य में आयुष मंत्रालय के द्वारा 30 बेड का हॉस्पिटल भी प्रस्तावित है, जिसमें जटिल से जटिल रोगों का आयुर्वेद की पद्धति से इलाज किया जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धाविधि, योग और पंचकर्म के माध्यम से जटिल रोगों का इलाज किया जाएगा। उद्घाटन के पहले दिन ही सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचे। सर, परिचय अपना। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण पारिक, अभी नया आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में एम्स रायबरेली में तैनात हुआ हूँ। इससे पहले सर 6 साल मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवाएं दी है। सर, आज रायबरेली जिले को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी। एम्स की एम्स में जो है वो आयुष की ओपीडी का उद्घाटन हुआ है, तो क्या है ओपीडी में, क्या किस तरह सुविधाएँ मिलेंगी या मिलेगा?
सर अभी वर्तमान में तो हम ओपीडी लेवल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आगे 30 बेडेड आयुष हॉस्पिटल जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथ और सिद्धा मेडिसिन सारे के एक एक मेडिकल ऑफिसर की यहाँ तैनाती होगी। और उसके साथ में हम पंचकर्म और पंचगव्य चिकित्सा उसके माध्यम से भर्ती मरीजों का इलाज करेंगे। सर पंचकर्म चिकित्सा के अंदर 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ति, रक्तमोक्षण। इससे शरीर क्लिंजिंग मतलब शरीर के शोधन की प्रक्रिया की जाती है। और पंचगव्य चिकित्सा सर वैसे मोदी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ये भी भारत की गौमाता है, भारतीय नस्ल की गौमाता, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम भी सर हमारा जो शास्त्र है चरक या सुश्रुत हर बीमारी में गाय के घी, दूध, दही या गौमूत्र से उनका चिकित्सा में उपयोग किया गया है, तो वो ही चिकित्सा पद्धति हम इसमें ऐड करें। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रीवा से है। यहाँ पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में युवा समाज सेवी अविराज द्वारा जिला अस्पताल रीवा में 4 नग व्हील चेयर और 3 नग स्ट्रेचर भेंट किए गए। मौके पर माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा समाज सेवी अविराज के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की सराहना की गई। मौके पर नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, राजेश पांडे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शुक्ला विशेष रूप में उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर एमएल गुप्ता, डॉक्टर विकास सिंह, अतुल पांडे, आशीष द्विवेदी, रोहित गुप्ता, दीपक वाधवानी, श्याम निरंकारी, जैनेन्द्र मिश्रा, मनी यादव, सुभाष गुप्ता सहित युवा समाज सेवी मौजूद रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है। यहाँ लोक सेवा केंद्र में पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें लोक सेवा केंद्र में प्रतिदिन जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी और आय प्रमाण के आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए मोनू द्वारा पैसा लिया जाता है। पैसा ना देने पर फॉर्म को 3-4 दिन बाद ऑनलाइन किया जाता है। लोक सेवा केंद्र में मोनू बाथम की शिकायत काफ़ी लंबे समय से चर्चित में है। आज एक तहसीलदार और SDM द्वारा आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं एक स्टूडेंट ने बताया कि मोनू बाथम ने 300 रुपये लिए थे। आगे जाएंगे तो 120-150 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे और काम कर रही है। अच्छी ये तो 300 रुपये ही लेता क्यों? टैक्स दोस्ती करा कर लेगा। अच्छा तो मैं दोस्त ने भी कराई। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।